हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अल्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मैथ के सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आप सभी का, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंस के अल्ट्रा इंपोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल सीबीएसई से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके ही जाना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपके हर एक चैप्टर के मैंने टॉपिक्स डिवाइड कर लिए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने साइड में ऊपर चैप्टर भी लिख रखा है कौन सा चैप्टर है, और नीचे उसके पॉइंट्स हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक ऐसे या वैसे उठा के नहीं दिए गए हैं, ये सिंपली आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं लास्ट के 5 ईयर्स के, वो एनालाइज करे हैं। और ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो लेटेस्ट एकदम सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो सीबीएसई ने सिलेबस लेट लिया था उसके अकॉर्डिंग है, और पूरे एनालाइज करके आपका जो सैंपल पेपर था तब ये क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो भाई इतनी मेहनत लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो ठोक ही देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो नंबर 1 पर जो आपका चैप्टर आता है, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो है आपके वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से। इसमें जो आपको टेट्रावेलेंसी कार्बन की प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। और सेकंड पे प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ये आपको करना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है आपकी होमोलोगस सीरीज, ये तो आपको 100% करके जानी है। इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें से ही आपका पूछा जाएगा, तो आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें जो आपको करना है डोबिनियर ट्रेड्स विद एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था वो डोबिनियर ने किया था। इसके 3 एग्जाम्पल है, वो आपको करके जाने हैं। सीबीएसई बोर्ड में कोई सा भी एक एग्जाम्पल पूछ सकता है, एक्सप्लेन करके बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई नहीं करता, कौन सा एग्जाम्पल फेल हो रहा था, तो आपको ये जरूर करना है। सेकंड है आपका मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के जो मेरिट्स हैं, लिमिटेशन है, वो आपको टिप्स पर याद रहनी चाहिए। उसकी मेरिट्स क्या थी और उसकी लिमिटेशन क्या थी, आपको सिंपल 3 नंबर में पूछ लेगा। और 3rd नंबर पे है इस चैप्टर में आपका ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से ट्रेंड्स हैं। इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, साइज और मास इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के साथ, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जो कि हाई वेटेज रखता है आपका, चैप्टर नंबर 8 है। मैं ये चैप्टर जो बता रहा हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप जो रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं उसको देख लेना चैप्टर के नाम से। चैप्टर नंबर 8 है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें जो आपको करना है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। 2nd नंबर पर है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। आपको फ्लावर का अच्छे से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और क्या प्रोसेस होता है उसके बीज को बनने के लिए, ये आपको डिट्टो छाप कर चले जाना है अपने माइंड में जब पेपर देने जाओगे। और 3rd नंबर पर है पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दोनों में से सीबीएसई हर साल एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, तो भाई इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको ये 100% करके जाना है। एंड लास्ट जो आता है आपका मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये जो टॉपिक्स मैंने बताए इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो आपको ये चैप्टर 100% करके जाना है। ये ऐसा चैप्टर है भाई जो आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, ये हाई वेटेज का चैप्टर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका सैंपल पेपर आया है उसमें भी इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पूछा गया है, तो आप इस चैप्टर को जरूर ही करके जाना अच्छे से। अगर आपने अभी नहीं किया है तो भाई अभी ही स्टार्ट कर दो इस चैप्टर को, बिल्कुल भी छोड़ ऐसा मत सोचना कि हम इस चैप्टर को छोड़ देंगे, भाई ये डिफिकल्ट है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये आपका मोस्ट वेटेड चैप्टर है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। अब हम बात कर लेते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, चैप्टर नंबर 9 है। इसमें जो आपको करना है मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो मोनो हाइब्रिड्स और डाई हाइब्रिड्स क्रॉस है, तो वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। ये इसमें इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो आपको ये जरूर करना है। एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको सिंपली डेफिनेशन के रूप में पूछ लेगा, डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिंपली 2 नंबर में आपको पूछ सकता है कि डिफाइन करो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। एंड द 3rd टॉपिक है इसमें सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम तो ये तो हमने बात कर ली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स की, अब हम बात कर लेते हैं जो फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जो करने हैं। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट चैप्टर आता है आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता, अगर आपको इसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग से प्रॉब्लम है, तो भाई कम से कम ओम्स लॉ और जो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड्स, कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, कम से कम आप ये 2 टॉपिक्स तो कर लेना। अगर सिंपली अगर आपको न्यूमेरिकल इससे ज्यादा हार्ड नहीं आते भाई, सिंपली आपको रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने देगा या फिर आपको करंट की वैल्यू पूछ लेगा, सीरीज और पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा या फिर आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पूछ लेगा न्यूमेरिकल, 100% आपको एक न्यूमेरिकल तो इसको देखने को मिलेगा, या फिर इस चैप्टर में से आपके केस स्टडी के भी चांसेस हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल करने हैं सीरीज और
पैरेलल कॉम्बिनेशन के या फिर आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी जो फॉर्मूला है उस पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो ये बात कर ली हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो आपको करना है लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज है इसमें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फोर्स फाइंड की जाती है। और जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, ये जान है। तो आपको इसके थ्योरी एंड लेवल डायग्राम, और भाई इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता 3 नंबर में आपका डायग्राम आ जाए या फिर किसी पार्ट का आपसे फंक्शन पूछ ले। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक मोटर तो जरूर पढ़ के जाना है, बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर तो आपको जरूर पढ़नी है। अब आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है आवर एनवायरमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 15 है। इसमें जो आपको करना है इसमें ज्यादा आपको मगजमाजी नहीं करनी है भाई, इसमें थ्योरिटिकल है सारा कुछ। इसमें जो आपको 8-9 से पढ़ते आ रहे हो सिंपली आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, और जो ओजोन डिप्लेशन है वो पढ़ना है। ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हो 7-6 से, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको थ्योरी की तरह रटके ही जाना है, तो इसको चैप्टर को आपको लास्ट में पढ़ना है, अभी मत पढ़ना क्योंकि अभी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लास्ट में याद नहीं रहेगा, इसलिए इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ना। लेकिन स्टार्टिंग के जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको आपको अभी से स्टार्ट कर देना है पढ़ना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आगे भी चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है क्लास 10th से रिलेटेड। तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना जिन्हें भाई वाकई में जरूरत है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।